नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लूसेंट जीके के 5000 नए क्वेश्चंस की मास्टर सीरीज का पार्ट नंबर 1 लेकर आ गए हैं। याद रखना, प्रत्येक पार्ट में आपको जीके के टॉप 500 क्वेश्चंस मिलेंगे जो बार बार परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। अगर आप लोग किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पर जीके एग्जाम में आती है, तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद रहने वाले हैं, बहुत ही यूजफुल रहने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जोर देखना और आपसे रिक्वेस्ट है प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जोड़े, ताकि जो भी आपके डाउट है साथ में ही क्लियर होते चले जाएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें। पीडीएफ के लिए आप लोग जल्दी से गुरुकुल अकेडमी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गुरुकुल अकेडमी के टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, जल्दी से आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे और वहां से पीडीएफ प्राप्त करेंगे। चलिएगा, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गोवा राज्य का निर्माण किस संविधान संशोधन द्वारा हुआ था? तो फ्रेंड्स ये हुआ था 56वें संशोधन के द्वारा। तो बी रहेगा इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स राइट आंसर। याद रखना, स्पीड में क्लास करवाएंगे, ठीक है ना, स्पीड क्लास है, कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन, 2 घंटे के अंदर आपको 500 क्वेश्चन करवाने वाले हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? किस पर है? तो गोदावरी नदी पर स्थित है जायकवाड़ी परियोजना, यानी ऑप्शन सी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और एक क्वेश्चन यहाँ होमवर्क के लिए है आप लोगों के लिए, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना कि जायकवाड़ी परियोजना किस राज्य में है। प्लीज इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। नेक्स्ट, द लॉर्ड ऑफ रिंग्स रिटर्न ऑफ द किंग ने कितना ओस्कर जीता था? कितना? 11 बार ओस्कर जीता था। तो बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट, शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन करना है शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य, तो डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट, जहांगीर महल किस किले में स्थित है? किस किले में स्थित है? तो आगरा के किले में स्थित है जहांगीर महल, तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट, पृथ्वी पर कुल जल का कितना प्रतिशत मीठा जल है? तो 2.5% है मीठा जल, बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की थी? तो वल्लभाचार्य ने की थी, याद रखना, पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने? वल्लभाचार्य ने, ठीक है। नेक्स्ट, ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसके द्वारा की गई? किसके द्वारा? एस चंद्रशेखर ने की थी ब्लैक होल सिद्धांत की खोज, तो सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट, भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई? किसके द्वारा? पुर्तगालियों के द्वारा की गई भारत तक समुद्री मार्ग की खोज, यानी ए रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, पुर्तगाली। नेक्स्ट, सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल को किस अधिनियम द्वारा लागू किया गया? किस अधिनियम द्वारा लागू किया गया? अधिनियम 1909 के द्वारा लागू किया गया, तो ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट, अभिनव भारत का आयोजन किसने किया? अभिनव भारत का आयोजन पूछा है, तो वीर सावरकर ने किया। किसने? वीर सावरकर ने, तो सी हो जाएगा राइट आंसर, वीर सावरकर। नेक्स्ट है, सोमपेंस कहाँ के निवासी हैं? कहाँ के निवासी हैं सोमपेंस? निकोबार द्वीप के निवासी हैं सोमपेंस। नेक्स्ट है, श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है, तो झेलम नदी के किनारे है श्रीनगर, ठीक है। नेक्स्ट है, एस्टिगमेटिज्म किस अंग की बीमारी है? एस्टिगमेटिज्म आँखों की बीमारी है। किस अंग की? आँखों की बीमारी है, तो बी हो जाएगा राइट आंसर, आँख। नेक्स्ट है, पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन हैं? तो फ्रेंड्स रविंद्रनाथ टैगोर हैं, पोस्ट ऑफिस के लेखक, सी होगा राइट आंसर, रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस? तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस, ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, सीसा संचायक बैटरी में किस अमल का प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स सल्फ्यूरिक अमल का प्रयोग किया जाता है सीसा संचायक बैटरी में, तो बी होगा राइट आंसर, सल्फ्यूरिक अमल बी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, पंचायती राज के त्रिस्तरीय समिति का गठन किस समिति द्वारा किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा किया गया था, तो सी होगा राइट आंसर, बलवंत राय मेहता समिति। नेक्स्ट है, वह एकमात्र कौन सा राज्य है जहां पायराइट उत्पन्न किया जाता है? कौन है फ्रेंड्स? बिहार है वह एकमात्र राज्य जहां पायराइट उत्पन्न होता है, ठीक है। नेक्स्ट है,
उन्होंने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया, किसके शासनकाल में किया, तो स्कंदगुप्त के शासनकाल में उन्होंने भारत पर आक्रमण किया। सी रहेगा राइट आंसर स्कंदगुप्त, ये आप लोग अच्छे से याद रखना। लीजिए नेक्स्ट है, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था, दंती दुर्ग था राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर की सभी उपापचयी क्रियाओं को कौन नियंत्रित करता है, तो थायरोक्सिन ग्रंथि करती है, याद रखना सभी सभी उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित, तो सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, कुकुट आहार में किस विटामिन की अधिकता रहती है, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सभी लोग फटाफट वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें। कुकुट आहार में किस विटामिन की अधिकता रहती है, तो विटामिन ए और के की अधिकता रहती है कुकुट आहार में, तो डी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट, भारत में पहला मकबरा स्थापित करने का श्रेय किसको जाता है, तो इल्तुतमिश को जाता है। भारत में पहला मकबरा स्थापित करने का श्रेय, तो ए होगा राइट आंसर, इल्तुतमिश। नेक्स्ट है, अपने को दवित्य सिकंदर कौन कहता था, अपने को दवित्य सिकंदर कहता था अलाउद्दीन खिलजी, कौन कहता था, अलाउद्दीन खिलजी कहता था अपने को दवित्य सिकंदर, ठीक है। नेक्स्ट, तुगलकाबाद को किसने स्थापित किया था, तो गयासुद्दीन तुगलक ने स्थापित किया था तुगलकाबाद को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फटाफट, निकोलो कांटी नामक यात्री किसके शासनकाल में आया था, जी हाँ देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था निकोलो कांटी नामक यात्री, तो सी हो जाएगा राइट आंसर, देवराय प्रथम। नेक्स्ट है, भारत में सबसे पहले बारूद का प्रयोग किसने किया, सबसे पहले बारूद का प्रयोग किसने किया, बाबर ने किया था भारत में सबसे पहले बारूद का प्रयोग, यानी ए रहेगा राइट आंसर, बाबर। नेक्स्ट, बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, तो मीर बक्की ने करवाया था बाबरी मस्जिद का निर्माण, ए रहेगा राइट आंसर, मीर बक्की। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंगीला बादशाह किसको कहा जाता था, किसको कहा जाता था रंगीला बादशाह, तो मोहम्मद शाह को कहा जाता था फ्रेंड्स, रंगीला बादशाह, तो डी हो जाएगा राइट आंसर, मोहम्मद शाह। नेक्स्ट, मुगल वंश का वह शासक जिसका राज्याभिषेक दो बार हुआ कौन था, औरंगजेब, जिसका राज्याभिषेक दो बार हुआ, ठीक है। नेक्स्ट, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था, तो मोहम्मद शाह था मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक, डी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह के समय मुगल बादशाह कौन था फ्रेंड्स, बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर था 1857 के विद्रोह के समय मुगल बादशाह, तो ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट, प्रिंस ऑफ वेल्स भारत में पहली बार कब आए थे, तो 1921 में आए थे प्रिंस ऑफ वेल्स भारत में पहली बार, तो भी रहेगा राइट आंसर 1921। नेक्स्ट, भारत का आर्थिक इतिहास पुस्तक किसने लिखा है, तो आर सी दत्त ने लिखा है भारत का आर्थिक इतिहास पुस्तक, सी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट, तीन कठिया व्यवस्था का संबंध किस आंदोलन से है, तो फ्रेंड्स चंपारण आंदोलन से है, तीन कठिया व्यवस्था का संबंध, सी होगा राइट आंसर, चंपारण आंदोलन। नेक्स्ट, इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन है, इंडियन अनरेस्ट के लेखक है वेलेंटाइन सिरोल, बहुत बार एग्जाम में आता है तो याद रखना इंडियन अनरेस्ट के लेखक है वेलेंटाइन सिरोल। नेक्स्ट, चोसा का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है तो आप लोग फ्रेंड्स अच्छे से याद रखना, चोसा का युद्ध हुआ था क्रमनासा नदी के किनारे, तो सी होगा राइट आंसर यहां पर, क्रमनासा। नेक्स्ट, समाचार पत्र किस सूची के अंतर्गत आता है, किस सूची के अंतर्गत आता है समाचार पत्र, तो समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, किसके अंतर्गत, समवर्ती सूची के अंतर्गत, सी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट, विश्व में मक्खन का सबसे बड़ा उत्पादक देश रूस है, विश्व में मक्खन का सबसे बड़ा उत्पादक देश, सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट, हरियाणा में प्रवाहित होने वाली एकमात्र नदी कौन सी है, तो फ्रेंड्स घग्गर है, हरियाणा में प्रवाहित होने वाली एकमात्र नदी, तो डी हो जाएगा राइट आंसर, घग्गर, ठीक है। नेक्स्ट, त्योहारों का नगर किसको कहा जाता है,
किसको कहा जाता है फ्रेंड्स त्योहारों का नगर, तो मदुरई को कहा जाता है त्योहारों का नगर, डी होगा राइट आंसर मदुरई, याद रखना। नेक्स्ट है जीवन रक्षक धातु किसको कहा जाता है, किसको फ्रेंड्स, रेडियम को कहा जाता है, रेडियम को कहा जाता है जीवन रक्षक धातु, ऑप्शन बी रहेगा राइट आंसर रेडियम। नेक्स्ट है नेशनल पुलिस अकेडमी कहाँ है, नेशनल पुलिस अकेडमी कहाँ है, तो फ्रेंड्स हैदराबाद में है नेशनल पुलिस अकेडमी, तो डी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है देश में नेहरू द्वारा सबसे अधिक सिंचाई किस राज्य में होती है, किस राज्य में, उत्तर प्रदेश राज्य में होती है देश में नेहरू द्वारा सबसे अधिक सिंचाई, सी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है शिमला समझौता पर कब हस्ताक्षर हुआ था, कब हुआ था फ्रेंड्स हस्ताक्षर, 1972 में हस्ताक्षर हुआ था शिमला समझौता पर, सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है संसार में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, तो फ्रेंड्स याद रखना अंग्रेजी भाषा है संसार में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा, पहले थी चीनी भाषा अब अंग्रेजी हो गई है, तो बी इस क्वेश्चन का रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 अक्टूबर को मनाया जाता है फ्रेंड्स विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, सी इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है मुगल गार्डन कहाँ अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है, तो राष्ट्रपति भवन में अवस्थित है मुगल गार्डन, तो बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है होम्योपैथी की खोज पूछा है किसने की थी, तो हैनी मैन ने की थी फ्रेंड्स होम्योपैथी की खोज, ये आप लोग अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट है रिजर्व बैंक कब से नोट निर्गमन का कार्य कर रहा है, तो 1938 से कर रहा है, स्थापना 1935 में हुई थी। नेक्स्ट नोट एवं सिक्के पर कब से अशोक स्तंभ अंकित होने लगा, कब से होने लगा, 1949 से होने लगा था फ्रेंड्स, तो बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर कौन थे, तो ऑसबोर्न स्मिथ थे रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर, ठीक है वर्तमान में कौन है, प्लीज इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दे कमेंट बॉक्स में। विश्व की अर्थव्यवस्था में भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा स्थान है, तो तीसरा स्थान है विश्व की अर्थव्यवस्था में भारतीय अर्थव्यवस्था का, ठीक है ना, तो सी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है, तो तृतीय क्षेत्र का है भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान। नेक्स्ट है विषुवत रेखीय प्रदेश में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, सदाबहार वन पाए जाते हैं विषुवत रेखीय प्रदेश में, किस प्रकार के सदाबहार वन, तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का रहेगा बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट है भारत में दूसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है, भारत में पहुंचे तो बांग्ला है, ठीक है सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो फ्रेंड्स मुद्रास्फीति कहलाती है, ठीक है ना, लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया कहलाती मुद्रास्फीति, तो बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है विश्व में सबसे पहले परिवार नियोजन अपनाने वाला देश कौन सा है, तो भारत है सबसे पहले परिवार नियोजन अपनाने वाला देश। नेक्स्ट है आईएसआई की स्थापना कब हुई, आईएसआई की स्थापना हुई थी 17 दिसंबर 1931 में, कब हुई थी 17 दिसंबर 1931 में, ठीक है। नेक्स्ट ओपेक की स्थापना कब हुई थी, तो 1960 में हुई थी ओपेक की स्थापना, कब 1960 में। नेक्स्ट है समृद्धि का सबसे अच्छा मापदंड क्या है, क्या है जी, औसत प्रति व्यक्ति आय है समृद्धि का सबसे अच्छा मापदंड, ठीक है ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया था, तो जहां आरा ने किया था आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण, यानी डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर जहां आरा। नेक्स्ट बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना किसके काल में हुई, तो फ्रेंड्स वारेन हेस्टिंग्स के काल में हुई बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना, ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है भारत में सबसे अधिक ईसाइयों की आबादी कहाँ है, तो नागालैंड में है भारत में सबसे अधिक ईसाइयों की आबादी। देखिए पीर प्राय जाने रे के रचयिता कौन है, तो नरसिंह मेहता है पीर प्राय जाने रे के रचयिता, तो डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है लोटस टेम्पल किस धर्म से संबंधित है, तो फ्रेंड्स बहाई धर्म से संबंधित है लोटस टेम्पल, किससे बहाई धर्म से, तो ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है सिक्योरिटी पेपर मिल किस राज्य में स्थित है, सिक्योरिटी पेपर मिल किस राज्य में स्थित है, तो फ्रेंड्स ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है सिक्योरिटी पेपर मिल, तो ए रहेगा राइट आंसर मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है
मरणोपरांत सर्वप्रथम किन्हें भारत रत्न से पुरस्कृत किया गया, किसको? लाल बहादुर शास्त्री को। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय जागृति का जनक किसको कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। फ्रेंड्स, भारतीय जागृति का जनक सी हो जाएगा राइट आंसर, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय प्रशासनिक सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में प्रारंभ हुई थी भारत में प्रशासनिक सेवा, ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो 6 अगस्त 1952 को, 6 अगस्त 1952 को हुई थी। ठीक है, ये रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है अंतर्राष्ट्रीय परिषद का अध्यक्ष, तो बी होगा राइट आंसर, प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1969 में, 1969 में हुआ था 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, सी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए, नंगा पर्वत शिखर किस राज्य में है? नंगा पर्वत शिखर किस राज्य में है? तो फ्रेंड्स, हिमाचल प्रदेश में। कहाँ? हिमाचल प्रदेश में है नंगा पर्वत शिखर, तो डी होगा राइट आंसर, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, 18 अप्रैल को मनाते हैं विश्व विरासत दिवस, तो डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्ष का होता है। ठीक है, 5 वर्ष का, सी रहेगा राइट आंसर। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? तो 15 होती है, सी होगा राइट आंसर, 15। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? नीदरलैंड के द हेग में। ठीक है, नेक्स्ट, कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स, सिकंदराबाद में स्थित है कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट, यानी ए रहेगा राइट आंसर, सिकंदराबाद। लीजिएगा नेक्स्ट, विश्व का सबसे ऊंचा स्थल पर स्थित वेधशाला किस देश में? सबसे ऊंचे स्थल पर स्थित वेधशाला भारत में है, तो डी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च किस राज्य में है? तो तमिलनाडु राज्य में है इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च सेंटर, तो सी रहेगा राइट आंसर, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम साहित्य की भाषा क्या थी? तो तमिल थी संगम साहित्य की भाषा, तो डी होगा राइट आंसर, तमिल भाषा। नेक्स्ट है, किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, अंटार्कटिका महाद्वीप को कहते हैं श्वेत महाद्वीप, तो ए रहेगा राइट आंसर, अंटार्कटिका महाद्वीप। ठीक है, नेक्स्ट, भारत में पहला रेलवे स्टेशन कहाँ बना? कहाँ बना? तो मुंबई में बना भारत में पहला रेलवे स्टेशन, तो बी होगा राइट आंसर, मुंबई। लीजिएगा नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा बोटनिकल गार्डन कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स, कोलकाता में स्थित है, कोलकाता में स्थित है भारत का सबसे बड़ा बोटनिकल गार्डन। ठीक है, नेक्स्ट है, ब्रिटेन की लौह महिला किसको कहा जाता है? तो मार्गरेट थैचर को कहते हैं ब्रिटेन की लौह महिला, तो ए रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट, राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है फ्रेंड्स, राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान का मुख्यालय, तो ए होगा राइट आंसर, नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विधि दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, 26 नवंबर को मनाया जाता है विधि दिवस, तो सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, 26 नवंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विश्व के प्रथम प्रखनली शिशु कौन है, क्या नाम है? तो लुइस ब्राउन नाम है विश्व के प्रथम प्रखनली शिशु का, तो डी रहेगा राइट आंसर, लुइस ब्राउन। नेक्स्ट है, भारत आने वाले प्रथम रूसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो निकोलाई बुल्गाकिन थे भारत आने वाले प्रथम रूसी प्रधानमंत्री, तो बी होगा राइट आंसर, निकोलाई बुल्गाकिन। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 9 वर्ष का होता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल, तो डी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय विधि का जनक किसको कहा जाता है? तो ग्रोसियस को कहते हैं आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय विधि का जनक, ए होगा राइट आंसर, ग्रोसियस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग फटाफट, मानवाधिकार दिवस पूछा है कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है मानवाधिकार दिवस, तो बी रहेगा राइट आंसर, 10 दिसंबर। नेक्स्ट, जीवाश्म नेशनल पार्क किस राज्य में अवस्थित है? किस राज्य में अवस्थित है? तो मध्य प्रदेश में अवस्थित है फ्रेंड्स, जीवाश्म नेशनल पार्क, बी होगा राइट आंसर, मध्य प्रदेश।
नेक्स्ट है, पर्यावरण शिक्षा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कहाँ? अहमदाबाद में स्थित है पर्यावरण शिक्षा का मुख्यालय, तो डी रहेगा इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स राइट आंसर। देखिए, भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान कहाँ है? तो देहरादून में है भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान, सी होगा राइट आंसर, देहरादून। नेक्स्ट है, भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन कौन सा है? तो थोरियम है। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन, तो ए होगा राइट आंसर, थोरियम। नेक्स्ट है, विश्व में सबसे बड़े व घने वन किस देश में है? तो ब्राजील देश में है विश्व में सबसे बड़े व घने वन, तो डी होगा राइट आंसर, ब्राजील। डी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, वृहद बेसिन किस देश में अवस्थित है? किस देश में अवस्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया देश में अवस्थित फ्रेंड्स वृहद बेसिन, तो बी रहेगा राइट आंसर, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवाई द्वीप का पुराना नाम क्या है? क्या फ्रेंड्स? सैंडविच है हवाई द्वीप का पुराना नाम। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है। चलिए देखिए, 101 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाओं का उल्लेख है? तो 22 भाषाओं का उल्लेख है, तो डी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, रबड़ को कड़ा करने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? तो गंधक मिलाते हैं रबड़ को कड़ा करने के लिए, तो फ्रेंड्स ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, गंधक। नेक्स्ट है, आराम हराम है यह किसका नारा है? आराम हराम है यह नारा किसका है? तो फ्रेंड्स जवाहरलाल नेहरू का है ये नारा, आराम हराम है, तो बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, केपी नहर किन दो राज्यों को जोड़ती है? केपी नहर किन दो राज्यों को जोड़ती है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य को जोड़ती है केपी नहर, तो सी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलों में मीठा स्वाद किसके कारण होता है? तो फ्रेंड्स फ्रक्टोज के कारण होता है फलों में मीठा स्वाद, यानी ए होगा राइट आंसर, फ्रक्टोज। नेक्स्ट, हिंदी भाषा के बाद भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली दूसरी भाषा कौन सी है? तो फ्रेंड्स बांग्ला भाषा है। हिंदी भाषा के बाद भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली दूसरी भाषा, तो सी होगा राइट आंसर, बांग्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो फ्रेंड्स नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ है? नई दिल्ली में स्थित है इंदिरा गांधी हवाई अड्डा, तो बी होगा राइट आंसर, यहाँ पर नई दिल्ली, बी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, तार खींचने योग्य सबसे तन्य धातु कौन सी है? तो फ्रेंड्स सोना है तार खींचने योग्य सबसे तन्य धातु, तो डी होगा राइट आंसर, सोना। याद रखना अच्छे से आप लोग। देखिए, सबसे भारी ग्रह कौन सा है? सबसे भारी तो कौन है? बृहस्पति है सबसे भारी ग्रह, तो बी होगा राइट आंसर, बृहस्पति। नेक्स्ट, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने किया था? तो फ्रेंड्स शाहजहां ने किया था दिल्ली के लाल किले का निर्माण, यानी बी रहेगा राइट आंसर, शाहजहां, बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट, हड़प्पा कहाँ स्थित है? फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सभी लोग फटाफट वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें। देखिएगा, हड़प्पा कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में है हड़प्पा, तो सी होगा राइट आंसर, पाकिस्तान। नेक्स्ट, भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा की सबसे बड़ी समर्थक कौन थे? सबसे बड़े समर्थक कौन थे? सर सैयद अहमद खान थे भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के सबसे बड़े समर्थक, ए रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित कौन करता है? कॉन्फ्रेंस परमाणु क्रमांक करता है किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित, यानी ए रहेगा इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत भारतीयों के लिए यह नारा किसने दिया था? तो फ्रेंड्स आर्य समाज ने, आर्य समाज ने दिया था भारत भारतीयों के लिए यह नारा, तो बी रहेगा राइट आंसर, आर्य समाज। नेक्स्ट है, गोबर गैस के मुख्य घटक क्या है? गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है? तो मिथेन है गोबर गैस का मुख्य घटक, यानी ए रहेगा राइट आंसर, मिथेन ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? कब अपनाया गया था भारत के राष्ट्रीय ध्वज को? 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था, तो सी होगा राइट आंसर, 22 जुलाई 1947। ठीक है, नेक्स्ट, देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स इंदौर में स्थित है। कहाँ? इंदौर में स्थित है देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा, तो सी होगा राइट आंसर, इंदौर। नेक्स्ट है,
राफेल नडाल का संबंध किस देश से है? तो फ्रेंड्स स्पेन से है राफेल नडाल का संबंध, यानी ए होगा राइट आंसर स्पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइगर वुड्स का संबंध किस खेल से है? तो गोल्फ से है टाइगर वुड्स का संबंध, तो बी होगा राइट आंसर गोल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन परमाणु शोध एवं रेडियोथेरेपी में किसका प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स रेडोन का प्रयोग किया जाता है, सी होगा राइट आंसर रेडोन। नेक्स्ट है विनय पिटक का संबंध किस धर्म से है? तो फ्रेंड्स बौद्ध धर्म से है विनय पिटक का संबंध, यानी सी होगा राइट आंसर बौद्ध धर्म। नेक्स्ट है अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स चेन्नई में स्थित है अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो बी होगा राइट आंसर चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए राष्ट्रीय ध्वज में कितने स्पोक्स हैं? कितने स्पोक्स हैं? 24 स्पोक्स हैं राष्ट्रीय ध्वज में, तो सी ऑप्शन होगा राइट आंसर 24 स्पोक्स। नेक्स्ट है सुल्तानपुर अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? कहाँ है? तो फ्रेंड्स हरियाणा में स्थित है सुल्तानपुर अभ्यारण्य, तो बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आर्सेनिक के प्रदूषण से फ्रेंड्स कौन सा रोग होता है? कौन सा रोग होता है? ब्लैक फुट रोग होता है आर्सेनिक के प्रदूषण से, तो ए रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर ब्लैक फुट। नेक्स्ट सुवा किसकी राजधानी है? किसकी राजधानी है फ्रेंड्स सुवा? तो फिजी की राजधानी है, तो सी रहेगा इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स राइट आंसर। अच्छे से याद रखना सुवा किसकी राजधानी है? फिजी की राजधानी, सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है लिटमस किससे प्राप्त होता है? किससे प्राप्त होता है लिटमस? लाइकेन से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? लाइकेन से प्राप्त होता है लिटमस, ए रहेगा राइट आंसर लाइकेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा अखरोट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? कौन सा अम्ल पाया जाता है फ्रेंड्स अखरोट में? टैनिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा? टैनिक अम्ल, तो ए रहेगा राइट आंसर टैनिक अम्ल। नेक्स्ट है सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सबसे चमकीला कौन है? शुक्र है, तो सी होगा राइट आंसर शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन ल्यूमेन किसका मात्रक है? जी फ्रेंड्स ज्योति फ्लक्स का मात्रक है ल्यूमेन, तो ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए मार्गरेट नोबेल के नाम से किसको जाना जाता है? तो फ्रेंड्स सिस्टर निवेदिता को जानते हैं मार्गरेट नोबेल के नाम से, तो डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है गैरी कास्परोव किस देश के शतरंज खिलाड़ी हैं? किस देश के शतरंज खिलाड़ी हैं गैरी कास्परोव? तो फ्रेंड्स रूस के शतरंज खिलाड़ी हैं, तो बी होगा राइट आंसर रूस। नेक्स्ट भारत के किस क्रिकेट खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट में प्रथम शतक लगाया? किसने लगाया था? लाला अमरनाथ ने टेस्ट क्रिकेट में प्रथम शतक लगाया था भारत के लिए, तो डी रहेगा राइट आंसर लाला अमरनाथ। नेक्स्ट है बिस्मिल्ला खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो फ्रेंड्स शहनाई से है बिस्मिल्ला खां का संबंध, तो सी रहेगा राइट आंसर। बिस्मिल्ला खान का संबंध किस? शहनाई से। नेक्स्ट भारत का मानक समय किस देशांतर पर स्थित है? तो फ्रेंड्स ये 82.5 डिग्री देशांतर पर स्थित है भारत का मानक समय, तो डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है जिनेदीन जिदान किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी हैं? किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी हैं जिनेदीन जिदान? तो ये फ्रांस के फुटबॉल खिलाड़ी हैं, तो डी होगा राइट आंसर किसके? फ्रांस के। नेक्स्ट सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो अहमदाबाद में स्थित है सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डा, तो डी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर अहमदाबाद। नेक्स्ट है सिंध प्रांत को अंग्रेजों ने किस वर्ष अपने साम्राज्य में मिलाया था? किस वर्ष मिलाया था? 1843 में मिलाया था, तो बी रहेगा राइट आंसर 1843, बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण कहां पर किया गया? कहां पर? पोखरण में किया गया फ्रेंड्स भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण, तो सी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर पोखरण। ठीक है नेक्स्ट लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा कहां है? तो फ्रेंड्स वाराणसी में है लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा, तो बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें दाबोलीम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां स्थित है? तो फ्रेंड्स गोवा में स्थित है दाबोलीम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो बी होगा राइट आंसर गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा राजा सांसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा
कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स ये अमृतसर में स्थित है, राजा सांसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो ए होगा राइट आंसर, अमृतसर। नेक्स्ट, हमारी सांस्कृतिक धरोहर के लेखक कौन है? कौन है जी? डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा है हमारी सांस्कृतिक धरोहर के लेखक। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, शैवाल में किसकी मात्रा अधिक होती है? तो क्लोरोफिल की मात्रा अधिक होती है शैवाल में। तो ए रहेगा राइट आंसर, क्लोरोफिल। नेक्स्ट है, पाकिस्तान की संसद को किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स नेशनल असेंबली के नाम से जाना जाता है पाकिस्तान की संसद को, यानी बी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, दक्षिण अमेरिका में घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? तो पंपास के नाम से जानते हैं दक्षिण अमेरिका में घास के मैदान को, बी रहेगा राइट आंसर, पंपास। नेक्स्ट है, पृथ्वी की भूप्रपटी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन है? तो ये ऑक्सीजन है। तो सी रहेगा राइट आंसर, ऑक्सीजन। नेक्स्ट, अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? तो फ्रेंड्स ये कृष्णा नदी के ऊपर स्थित है अलमाटी बांध। तो बी रहेगा राइट आंसर, अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना? कब बना फ्रेंड्स? 1933 में, 1933 में याद रखना, हिटलर जर्मनी का चांसलर बना। तो डी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, चीन की राजधानी कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स बीजिंग में स्थित है चीन की राजधानी। तो डी रहेगा राइट आंसर, बीजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? रॉबर्ट वालपोल थे। तो ए रहेगा राइट आंसर, इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? फ्रेंड्स रॉबर्ट वालपोल थे। तो ए रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, पंच परमेश्वर पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्रेमचंद हैं पंच परमेश्वर पुस्तक के लेखक, बी होगा राइट आंसर, प्रेमचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम लीग का प्रथम सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? तो फ्रेंड्स अमृतसर में संपन्न हुआ था मुस्लिम लीग का प्रथम सम्मेलन। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, अमृतसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश की पूजा ही राम की पूजा है? देश की पूजा ही राम की पूजा है, यह उक्ति किस महान व्यक्ति की है? किसकी है? मदन लाल ढींगरा की है। तो ए रहेगा राइट आंसर, मदन लाल ढींगरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो फ्रेंड्स श्रीमती इंदिरा गांधी थी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, बी होगा राइट आंसर, श्रीमती इंदिरा गांधी। नेक्स्ट, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स उत्तरकाशी में स्थित है। कहाँ है? उत्तरकाशी में स्थित है नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, यानी बी रहेगा राइट आंसर, उत्तरकाशी। नेक्स्ट है, सूर्य में उपस्थित नाभि के ईंधन क्या है? तो फ्रेंड्स हाइड्रोजन है सूर्य में उपस्थित नाभि के ईंधन, सी होगा राइट आंसर, हाइड्रोजन। नेक्स्ट है, विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने किया? तो चालुक्य वंश के शासकों ने किया था विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण, सी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूटान की मुद्रा क्या है? तो फ्रेंड्स नगुल ट्रम। क्या है? नगुल ट्रम है भूटान की मुद्रा, ए होगा राइट आंसर। अर्थशास्त्र का जनक किसको माना जाता है? तो फ्रेंड्स एडम स्मिथ को, एडम स्मिथ को माना जाता है अर्थशास्त्र का जनक, सी रहेगा राइट आंसर, एडम स्मिथ। नेक्स्ट है, घूमर किस राज्य का लोक नृत्य है? तो फ्रेंड्स राजस्थान का लोक नृत्य है घूमर, यानी ए रहेगा राइट आंसर, राजस्थान। नेक्स्ट है, वायुमंडलीय वायु में कितना प्रतिशत ऑक्सीजन होता है? तो 21% होता है, जी फ्रेंड्स डी रहेगा राइट आंसर, 21%। नेक्स्ट है, क्यूराइल किस महासागर की ठंडी जलधारा है? तो फ्रेंड्स प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है क्यूराइल। तो डी हो जाएगा राइट आंसर, प्रशांत महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, झीलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स लिम्नोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? लिम्नोलॉजी कहलाता है झीलों का अध्ययन, ए होगा राइट आंसर, लिम्नोलॉजी। नेक्स्ट है, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए? कितने हुए? 24, कुल 24 तीर्थकर हुए जैन धर्म में। तो डी रहेगा फ्रेंड्स राइट आंसर। नेक्स्ट है, चीन की मुद्रा क्या है? क्या है फ्रेंड्स? युआन है चीन की मुद्रा। तो बी रहेगा राइट आंसर, वर्तमान में रेन मिन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो फ्रेंड्स 1869 में हुआ था महात्मा गांधी का जन्म, बी होगा राइट आंसर, 1869। नेक्स्ट,
विश्व भारती की स्थापना किसने की थी? जी हाँ, रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी विश्व भारती की स्थापना। सी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? तो डाउन्स के नाम से जानते हैं ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को। बी होगा राइट आंसर, डाउन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? किस पर? झेलम नदी पर स्थित है तुलबुल परियोजना। डी रहेगा राइट आंसर, झेलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोसी नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स, गोसाईनाथ में स्थित है कोसी नदी का उद्गम स्थल। तो ये रहेगा राइट आंसर, गोसाईनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चुनाव की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो ग्राम पंचायत है। कौन है? ग्राम पंचायत है भारत में चुनाव की सबसे छोटी इकाई। ए होगा राइट आंसर, ग्राम पंचायत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापारिक वैसलीन किससे प्राप्त किया जाता है? तो फ्रेंड्स, पेट्रोलियम से प्राप्त किया जाता है व्यापारिक वैसलीन। सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, पेट्रोलियम। ठीक है, नेक्स्ट है, नियोलिथिक का अर्थ क्या होता है? नियोलिथिक का अर्थ क्या होता है? तो फ्रेंड्स, नवपाषाण काल होता है। डी रहेगा राइट आंसर, नवपाषाण काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इजराइल की पार्लियामेंट को किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स, नेसेट के नाम से जानते हैं इजराइल की पार्लियामेंट को। ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट फटाफट देखिए, अफगानिस्तान की मुख्य भाषा क्या है? क्या है फ्रेंड्स? पास्तो है अफगानिस्तान की मुख्य भाषा। तो बी रहेगा राइट आंसर, पास्तो। बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा आपात की घोषणा को कितने समय के अंदर संसद द्वारा अनुमोदित हो जाना चाहिए? कितने समय के अंदर? एक माह के अंदर। तो ए रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, बांग्लादेश की संसद को किस नाम से जाना जाता है? तो जातीय संसद के नाम से जानते हैं बांग्लादेश के संसद को। तो ए रहेगा राइट आंसर, जातीय संसद। नेक्स्ट है, सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? कहाँ? उड़ीसा में स्थित है सूर्य मंदिर, यानी ए रहेगा राइट आंसर, उड़ीसा। नेक्स्ट है, सुंडा जल डमरू मध्य किसके बीच स्थित है? किसके बीच स्थित है सुंडा जल डमरू मध्य? तो यह है जावा और सुमात्रा के बीच। तो ऑप्शन नंबर बी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, राज्य सहकारी बैंक को वित्त प्रदान कौन करता है? कौन प्रदान करता है? आरबीआई करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। तो सी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, म्यांमार की भाषा क्या है? तो बर्मिज है फ्रेंड्स, म्यांमार की भाषा। तो बी रहेगा राइट आंसर, बर्मिज। नेक्स्ट, भारत में पहली बार किस वर्ष आपातकाल घोषित किया गया था? तो फ्रेंड्स, पहली बार पूछा 26 अक्टूबर 1962 में किया गया था। तो ए रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो झेलम नदी पर स्थित है तुलबुल परियोजना। बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, तिस्ता किसकी सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है तिस्ता। तो डी हो जाएगा राइट आंसर, ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट है, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो फ्रेंड्स, कृष्णा नदी पर है। तो डी होगा राइट आंसर, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो फ्रेंड्स, ये है कृष्णा पर। तो डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, किस राष्ट्रपति का चुनाव निर्विरोध किया गया था? किसका किया गया था? नीलम संजीवा रेड्डी का चुनाव किया गया था फ्रेंड्स, निर्विरोध, यानी ऑप्शन डी होगा राइट आंसर, नीलम संजीवा रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमकीन स्थलों में उगने वाले पौधों को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जानते हैं? तो फ्रेंड्स, हेलोफाइट के नाम से जानते हैं नमकीन स्थलों में उगने वाले पौधों को। ए रहेगा राइट आंसर, हेलोफाइट। नेक्स्ट है, वर्षा मापक यंत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स, रेन गेज कहा जाता है वर्षा मापक यंत्र को। ऑप्शन बी रहेगा राइट आंसर, रेन गेज। नेक्स्ट है, बाईचुंग भूटिया का संबंध किस खेल से है? तो फुटबॉल से है बाईचुंग भूटिया का संबंध। सी होगा इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स राइट आंसर। नेक्स्ट है, आईपीसी किस देश का शेयर मूल्य सूचकांक है? तो फ्रेंड्स, मेक्सिको का है, याद रखना आईपीसी शेयर मूल्य सूचकांक। तो डी होगा राइट आंसर, मेक्सिको। नेक्स्ट है, साहित्य अकादमी कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है साहित्य अकादमी। सी रहेगा राइट आंसर, नई दिल्ली। नेक्स्ट है, तैमूरलंग ने भारत पर कब आक्रमण किया था? कब किया था? 1398 में, यानी ए रहेगा फ्रेंड्स राइट आंसर, 1398 में आक्रमण किया था तैमूरलंग ने भारत पर। ठीक है, नेक्स्ट है,
दादर एवं नगर हवेली की राजधानी कहाँ स्थित है? तो सिलवासा में है। बी रहेगा राइट आंसर सिलवासा। नेक्स्ट है, उलान बटोर किस देश की राजधानी है? तो मंगोलिया देश की राजधानी है उलान बटोर। सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत में रुपए नाम का सिक्का सर्वप्रथम किसने जारी किया था? तो फ्रेंड्स शेरशाह सूरी ने जारी किया था भारत में रुपए नाम का सिक्का सर्वप्रथम। तो सी होगा राइट आंसर शेरशाह सूरी। नेक्स्ट है, पीतल के बर्तन के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? कौन सा शहर? मुरादाबाद प्रसिद्ध है पीतल के बर्तन के लिए, यानी ए रहेगा राइट आंसर मुरादाबाद। नेक्स्ट है, राजीव गांधी की समाधि स्थल को किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स वीर भूमि के नाम से जानते हैं राजीव गांधी के समाधि स्थल को। तो डी होगा राइट आंसर वीर भूमि। नेक्स्ट है, मिमटिल कहाँ का शेयर मूल्य सूचकांक है? कहाँ का है? इटली का शेयर मूल्य सूचकांक है मिमटिल। तो बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, शिवाजी किस मराठा संत के शिष्य थे? तो फ्रेंड्स रामदास के थे, यानी सी रहेगा राइट आंसर रामदास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 201 नंबर क्वेश्चन में दिया कि धमेक स्तूप कहाँ स्थित है? तो सारनाथ में स्थित है फ्रेंड्स धमेक स्तूप, यानी ऑप्शन बी रहेगा राइट आंसर। कहाँ स्थित है? सारनाथ में। तो बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, चीनी का अणुसूत्र क्या है? बहुत बार एग्जाम में आता है। तो C12H22O11 ये होता है चीनी का अणुसूत्र, यानी ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट, बेसिलिका ऑफ जीसस कहाँ स्थित है? कहाँ है? तो फ्रेंड्स गोवा में स्थित है बेसिलिका ऑफ जीसस, यानी डी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बृहस्पति का अध्ययन कराने वाला प्रथम उपग्रह कौन था? तो कौन था फ्रेंड्स? वायजर प्रथम था बृहस्पति का अध्ययन कराने वाला प्रथम उपग्रह, यानी ए रहेगा राइट आंसर वायजर प्रथम, ए रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, भीमबेटका की गुफाएं किस राज्य में है? किस राज्य में? तो फ्रेंड्स मध्य प्रदेश राज्य में है भीमबेटका की गुफाएं, यानी ए रहेगा राइट आंसर मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, पश्चिमी शिक्षा की नींव भारत में किसने रखी? किसने रखी? मैकाले ने। तो ए रहेगा राइट आंसर यहाँ मैकाले, याद रखना। नेक्स्ट है, हमारी पृथ्वी को कितने समय जोनों में विभाजित किया गया है? कितने समय जोनों में किया गया है? 24 समय जोनों में विभाजित किया गया है हमारे पृथ्वी को। तो सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर 24 जोनों में, ठीक है। नेक्स्ट है, पेपर की खोज कहाँ हुई थी? कागज की खोज कहाँ? चीन में हुई थी। तो ए रहेगा राइट आंसर चीन। नेक्स्ट है, गुड गवर्नेंस डे किस तिथि को मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स 25 दिसंबर को मनाते हैं गुड गवर्नेंस डे। तो ऑप्शन डी रहेगा राइट आंसर 25 दिसंबर। नेक्स्ट है, सोना धातु का लैटिन नाम क्या है? तो फ्रेंड्स ओरम है सोना धातु का लैटिन नाम, यानी ऑप्शन बी रहेगा राइट आंसर ओरम, बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व विरासत स्थल रानी का वाव किस राज्य में अवस्थित है? किस राज्य में? तो फ्रेंड्स गुजरात राज्य में अवस्थित है रानी का वाव। तो बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरेनस ग्रह का पता किसने लगाया था? किसने लगाया था फ्रेंड्स? विलियम हर्शल ने लगाया था यूरेनस ग्रह का पता। तो सी होगा राइट आंसर विलियम हर्शल। नेक्स्ट, चेक बुनाने की अधिकतम समय सीमा कितनी निर्धारित है? तो फ्रेंड्स 3 महीने निर्धारित है चेक बुनाने की अधिकतम समय सीमा। तो ऑप्शन नंबर यानी सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, इसरो के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? विक्रम साराभाई थे इसरो के प्रथम अध्यक्ष, ए होगा राइट आंसर। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थापित है? कहाँ? तो फ्रेंड्स न्यूयॉर्क में है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। तो ए होगा राइट आंसर यहाँ न्यूयॉर्क, याद रखना। नेक्स्ट है, अलीगढ़ किस लिए प्रसिद्ध है? अलीगढ़ किस लिए प्रसिद्ध है? बहुत बार एग्जाम में आता है। तो फ्रेंड्स याद रखना आप लोग, अलीगढ़ किसके लिए? ताला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? ताला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, कंप्यूटर सिक्योरिटी डे किस तिथि को मनाया जाता है? किस तिथि को मनाते हैं? 30 नवंबर को मनाया जाता है फ्रेंड्स, याद रखना आप लोग कंप्यूटर सिक्योरिटी डे। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच किन दो देशों के बीच खेला गया था? बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, बहुत बार। तो याद रखना आप लोग फ्रेंड्स,
यूएसए और कनाडा के बीच खेला गया पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच, तो डी होगा राइट आंसर। ठीक है, क्रिकेट का पूछा है। नेक्स्ट, तारा प्रथम अवस्था में किस रंग का दिखाई देता है? तो फ्रेंड्स, लाल रंग का दिखाई देता है तारा प्रथम अवस्था में, तो सी होगा राइट आंसर, लाल रंग। ठीक है, नेक्स्ट, स्टील सिटी राउरकेला किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो यह है ब्राह्मणी नदी पर स्थित है। ठीक है, ऑप्शन सी रहेगा राइट आंसर, ब्राह्मणी नदी पर अवस्थित है स्टील सिटी राउरकेला, सी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट, विश्वत पर एक दिन की अवधि कितने घंटे के बराबर होती है? तो फ्रेंड्स, 12 घंटे के बराबर होती है विश्वत पर एक दिन की अवधि, यानी ए होगा राइट आंसर, 12 घंटा। नेक्स्ट है, ग्रह की कक्षा का आकार कैसा होता है? ग्रह की कक्षा का आकार कैसा होता है? तो फ्रेंड्स, अंडाकार होता है ग्रह की कक्षा का आकार, सी होगा राइट आंसर, अंडाकार। नेक्स्ट है, पहला एंग्लो सिख युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो फ्रेंड्स, 1845 में हुआ था पहला एंग्लो सिख युद्ध, ऑप्शन डी होगा राइट आंसर, 1845। नेक्स्ट है, पांच लायन की कविता को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स, लिमरिक कहते हैं। क्या कहते हैं? लिमरिक कहते हैं पांच लायन की कविता को, सी होगा राइट आंसर, लिमरिक। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय झंडा का प्रारूप किसने तैयार किया था? किसने? पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था भारतीय राष्ट्रीय झंडा का प्रारूप, यानी ए रहेगा राइट आंसर, पिंगली वेंकैया। नेक्स्ट है, विश्व यक्ष्मा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, 24 मार्च को मनाते हैं, 24 मार्च को मनाया जाता है विश्व यक्ष्मा दिवस, डी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, शिमला समझौता किस वर्ष हुआ था? किस वर्ष? 1972 में, 1972 में हुआ था शिमला समझौता। ठीक है, नेक्स्ट, ओरियन नक्षत्र का भारतीय नाम क्या है? जी फ्रेंड्स, ओरियन नक्षत्र का भारतीय नाम है मृगशिरा। क्या है? मृगशिरा, यानी ए रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के भूपृष्ठीय स्तर को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जानते हैं? तो फ्रेंड्स, सियाल के नाम से जानते हैं पृथ्वी के भूपृष्ठीय स्तर को, तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, सियाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल स्पेस सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स, वाशिंगटन डीसी में स्थित है नेशनल स्पेस सोसाइटी का मुख्यालय, यानी ए रहेगा राइट आंसर, वाशिंगटन डीसी, ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, केंटन टावर कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स, चीन में स्थित है केंटन टावर, सी होगा राइट आंसर, चीन। नेक्स्ट है, भूटान देश की मुद्रा क्या है? तो नगुल ट्रम है भूटान देश की मुद्रा, तो डी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्रीलंका ने किस वर्ष स्वतंत्रता प्राप्त की? किस वर्ष? 1948 में, 1948 में, तो बी हो जाएगा फ्रेंड्स राइट आंसर। नेक्स्ट है, आजाद हिंद फौज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो फ्रेंड्स, 1942 में हुई थी आजाद हिंद फौज की स्थापना, बी होगा राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस के पिता कौन थे? जी हाँ, जानकीनाथ बोस थे। सुभाष चंद्र बोस के पिता कौन थे? जानकीनाथ बोस, तो बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, ग्रेनाइट किस सेल में पाया जाता है? किस सेल में पाया जाता है फ्रेंड्स ग्रेनाइट? तो याद रखना आप लोग, इसमें आग्नेय सेल में पाया जाता है ग्रेनाइट, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पवन ऊर्जा से विद्युत उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो तमिलनाडु है पवन ऊर्जा से विद्युत उत्पादन में अग्रणी राज्य, तो डी हो जाएगा राइट आंसर, यहाँ तमिलनाडु। नेक्स्ट है, विकिपीडिया के संस्थापक कौन है? कौन है फ्रेंड? जेमी वेल्स, जेमी वेल्स हैं विकिपीडिया के संस्थापक, सी होगा राइट आंसर, जेमी वेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, महासागरों में तापमान बढ़ती गहराई के साथ कैसा रहता है? तो घटता है, यानी फ्रेंड्स ए रहेगा राइट आंसर। महासागरों में तापमान बढ़ती गहराई के साथ घटता है, याद रखना ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, मौसम का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो फ्रेंड्स, मिटीरियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है मौसम का अध्ययन, ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, ओलंपिक बॉक्सिंग में प्रथम गोल्ड मेडल जीतने वाली महिला कौन है? तो फ्रेंड्स, नोकोलस एडम्स है ओलंपिक बॉक्सिंग में प्रथम गोल्ड मेडल जीतने वाली महिला, सी होगा राइट आंसर, नोकोलस एडम्स। ठीक है,
नेक्स्ट है, मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? कितने प्रकोष्ठ होते हैं? 4 प्रकोष्ठ होते हैं मनुष्य के हृदय में। ऑप्शन डी होगा राइट आंसर, 4 प्रकोष्ठ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग फटाफट क्या है। कॉकरोच के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? कॉकरोच के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 13 कक्ष होते हैं कॉकरोच के हृदय में। ऑप्शन डी रहेगा राइट आंसर, 13 है, याद रखना। नेक्स्ट है, एशिया का दिल किसको कहा जाता है? तो फिर इस्तांबुल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? इस्तांबुल को कहते हैं एशिया का दिल। सी होगा राइट आंसर, इस्तांबुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय की बीमारी को किसके द्वारा पहचाना जाता है? किसके द्वारा पहचानते हैं? तो फ्रेंड्स ईसीजी के द्वारा पहचानते हैं हृदय की बीमारी को। ईसीजी क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ए हो जाएगा राइट आंसर। मस्तिष्क बीमारी को ईईजी के द्वारा पहचानते हैं। मस्तिष्क के लिए ईईजी का प्रयोग करते हैं, इलेक्ट्रोइंसेफलोग्राफी। ठीक है, नेक्स्ट, बालू पर उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स याद रखना आप लोग, सेमोफाइट कहते हैं बालू पर उगने वाले पौधों को। सी होगा राइट आंसर, सेमोफाइट। नेक्स्ट है, काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? किस वर्ष? 1925 में, 1925 में हुआ था काकोरी कांड। नेक्स्ट है, मेंढक में कितने गुणसूत्र मौजूद होते हैं? तो फ्रेंड्स 26 गुणसूत्र मौजूद होते हैं मेंढक में। तो बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, 26 गुणसूत्र मौजूद होते हैं मेंढक में। ठीक है फ्रेंड्स, याद रख लेना आप लोग अच्छे से। नेक्स्ट है, उजला सोना कहलाता है, कौन कहलाता है? कपास को कहते हैं फ्रेंड्स उजला सोना। सी रहेगा राइट आंसर, कपास। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत से बर्मा किस वर्ष अलग हुआ? भारत से बर्मा किस वर्ष अलग हुआ? तो यह हुआ था 1937 में, 1937 में अलग हुआ था भारत से बर्मा। ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, गोल्डन पैगोडा मंदिर कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स म्यांमार देश में स्थित है गोल्डन पैगोडा मंदिर, यानी बी रहेगा राइट आंसर, म्यांमार। नेक्स्ट है, समुद्री घास में क्या पाया जाता है? क्या पाया जाता है? तो फ्रेंड्स आयोडीन होता है। क्या होता है? आयोडीन होता है समुद्री घास में। तो बी रहेगा राइट आंसर, आयोडीन। बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानचित्र के अध्ययन को फ्रेंड्स क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो कार्टोग्राफी कहते हैं मानचित्र के अध्ययन को। ऑप्शन बी होगा राइट आंसर, कार्टोग्राफी। नेक्स्ट है, मेंढक के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो 3 प्रकोष्ठ होते हैं मेंढक के हृदय में। सी रहेगा राइट आंसर, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, लाइसोसोम में कितने प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं? कितने प्रकार के एंजाइम? बिल्कुल फ्रेंड्स 24 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं लाइसोसोम में। तो बी हो जाएगा राइट आंसर, 24 प्रकार के एंजाइम। नेक्स्ट है, न्यूटन के किस गति नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? तो द्वितीय नियम से प्राप्त होता है न्यूटन की, याद रखना फ्रेंड्स, बल का व्यंजक, यानी ऑप्शन बी होगा राइट आंसर, द्वितीय नियम। नेक्स्ट है, ब्रह्मांड की उम्र कितने वर्ष है? ब्रह्मांड की उम्र फ्रेंड्स कितने वर्ष है? 13.8 बिलियन वर्ष है ब्रह्मांड की उम्र, यानी ए रहेगा राइट आंसर, 13.8 बिलियन वर्ष। ए हो जाएगा राइट आंसर। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, प्लूटो ग्रह की खोज किस वर्ष हुई थी? बहुत बार एग्जाम में आता है। तो फ्रेंड्स प्लूटो ग्रह की खोज हुई थी 1930 में, 1930 में की गई थी प्लूटो ग्रह की खोज। बी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, अंकुरित अनाज में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो फ्रेंड्स विटामिन सी पाया जाता है अंकुरित अनाज में, यानी सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, विटामिन सी। नेक्स्ट है, मोनोकल्चर का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो अन्न उत्पादन से है मोनोकल्चर का संबंध, यानी ए रहेगा राइट आंसर, अन्न उत्पादन। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? कहाँ? तो फ्रेंड्स काठमांडू में स्थित है पशुपतिनाथ मंदिर, यानी सी रहेगा राइट आंसर, काठमांडू। नेक्स्ट, मनुस्मृति किस भाषा में लिखित है? किस भाषा में लिखित है? तो फ्रेंड्स संस्कृत भाषा में लिखित है मनुस्मृति, यानी ऑप्शन बी रहेगा राइट आंसर, संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीटी स्कैन में सीटी का विस्तार क्या है? सीटी स्कैन में सीटी का विस्तार क्या है? तो यह है कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी, यानी फ्रेंड्स बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, क्या है? कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी, बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्लैक गोल्ड किसको कहा जाता है? किसे कहते हैं ब्लैक गोल्ड? तो फ्रेंड्स कोयला को कहते हैं ब्लैक गोल्ड, यानी ए रहेगा राइट आंसर, कोयला।
नेक्स्ट देखिए क्या है, मक्खी का लार्वा क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स मैगोट कहते हैं, क्या कहते हैं, मैगोट कहा जाता है मक्खी की लार्वा को, तो बी हो जाएगा राइट आंसर मैगोट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे छोटा स्तनी कौन है? सबसे छोटा सुंदर है, तो सी ऑप्शन रहेगा फ्रेंड्स राइट आंसर। सबसे छोटा स्तनी कौन सुंदर है, सी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट गीता का अंग्रेजी में अनुवाद 1785 में किसके द्वारा किया गया था? चार्ल्स विल्किंस के द्वारा किया गया था फ्रेंड्स गीता का अंग्रेजी में अनुवाद 1785 में, तो बी होगा राइट आंसर या चार्ल्स विल्किंस, याद रखना। नेक्स्ट स्नूकर में उपयोग होने वाले गेंदों की संख्या कितनी होती है? तो फ्रेंड्स 22 होती है स्नूकर में उपयोग होने वाली गेंदों की संख्या, तो सी होगा राइट आंसर 22। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा खुद लिखी थी? किसने? तो बाबर और जहांगीर दोनों ने फ्रेंड्स अपनी आत्मकथा खुद लिखी थी, यानी ऑप्शन सी रहेगा राइट आंसर, उपयुक्त तो दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंदिरा गांधी टूलिप गार्डन कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स श्रीनगर में स्थित है इंदिरा गांधी टूलिप गार्डन, यानी ऑप्शन बी रहेगा राइट आंसर श्रीनगर। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो फ्रेंड्स नागार्जुन सागर श्रीशैलम है, नागार्जुन सागर श्रीशैलम है भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व, यानी ऑप्शन सी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, विश्व कैंसर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स याद रखना आप लोग, 4 फरवरी को मनाया जाता है विश्व कैंसर दिवस, सी रहेगा राइट आंसर 4 फरवरी। नेक्स्ट है, नेत्र रोग का चिकित्सक क्या कहलाता है? क्या फ्रेंड्स? ओकुलिस्ट कहलाता है नेत्र रोग का चिकित्सक, ऑप्शन बी होगा राइट आंसर ओकुलिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन के गति के किस नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होती है? तो फ्रेंड्स प्रथम गति नियम से प्राप्त होती है बल की परिभाषा, यानी ए होगा राइट आंसर प्रथम गति नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द को संकलन तथा लिखने की कला का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स लेक्सिकोग्राफी कहलाता है, क्या कहलाता है? लेक्सिकोग्राफी कहलाता है, तो ए रहेगा जी राइट आंसर। नेक्स्ट है, जायद फसल का उदाहरण है जी फ्रेंड्स, कौन है? खरबूजा तरबूज ककड़ी, ये सभी क्या हैं? ये तीनों हैं जायद फसल के उदाहरण, यानी ऑप्शन डी रहेगा फ्रेंड्स राइट आंसर। नेक्स्ट है, मछली के हृदय में फ्रेंड्स कितने प्रकोष्ठ होते हैं? कितने? 2 प्रकोष्ठ होते हैं फ्रेंड्स मछली के हृदय में, ऑप्शन बी रहेगा राइट आंसर 2 प्रकोष्ठ। नेक्स्ट है, मस्तिष्क की बीमारी को किसके द्वारा पहचाना जाता है? किसके द्वारा पहचानते? तो फ्रेंड्स ईईजी की द्वारा पहचानते, ईईजी इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफी, तो सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, 1 ग्राम वसा में कितना कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है? कितने कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है? तो 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है 1 ग्राम वसा से, तो सी हो जाएगा फ्रेंड्स राइट आंसर। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली चीनी महिला कौन है? तो लियू यंग है अंतरिक्ष में जाने वाली पहली चीनी महिला, यानी बी हो जाएगा जी फ्रेंड्स राइट आंसर। नेक्स्ट है, जब कोई व्यक्ति सो रहा होता है तब उसका रक्तचाप कैसा रहता है? अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सभी लोग फटाफट वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें। देखिए, जब कोई व्यक्ति सो रहा होता है ना, तो उस समय व्यक्ति का रक्तचाप घट जाता है और दौड़ते वक्त क्या होता है, बढ़ जाता है, तो ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट, वितरक न्याय की संकल्पना सबसे पहले किसने की? किसने? अरस्तु ने की थी वितरक न्याय की संकल्पना सबसे पहले, यानी बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर अरस्तु। नेक्स्ट है, स्वामीनाथन समिति का संबंध किससे है? तो फ्रेंड्स जनसंख्या नीति से है स्वामीनाथन समिति का संबंध, यानी बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, 13 ताली किस राज्य का लोक नृत्य है? किस राज्य का है? राजस्थान राज्य का लोक नृत्य है फ्रेंड्स 13 ताली, तो सी होगा राइट आंसर राजस्थान। ठीक है, नेक्स्ट, सबसे अधिक क्रियाशील धातु तत्व कौन सा है? सबसे अधिक क्रियाशील पूछा है, तो फ्रेंड्स याद रखना आप लोग कौन है, सीजियम है सबसे अधिक क्रियाशील धातु तत्व, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर सीजियम। ठीक है, नेक्स्ट, भारत में एक मार्क एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था? किस वर्ष हुआ था लागू? 1937 में, 1937 में लागू हुआ था भारत में एक मार्क एक्ट, ऑप्शन डी होगा राइट आंसर 1937। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माइकल सुमाकर का संबंध किस देश से है?
तो फ्रेंड्स जर्मनी से है, माइकल सुमाकर का संबंध, यानी बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर जर्मनी। नेक्स्ट है, डेनमार्क की राजधानी कहाँ है? कहाँ है फ्रेंड्स? कोपेनहेगन में है डेनमार्क की राजधानी, यानी ए रहेगा राइट आंसर कोपेनहेगन, कोपेनहेगन। ठीक है, नेक्स्ट है, विश्व साक्षरता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व साक्षरता दिवस फ्रेंड्स मनाते हैं 8 सितंबर को, तो ए होगा राइट आंसर 8 सितंबर। नेक्स्ट है, काले धन के उन्मूलन के लिए सुझाव देने हेतु किस आयोग की नियुक्ति की गई थी? तो चलिए यह आयोग की नियुक्ति की गई थी फ्रेंड्स, ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट, डाक टिकट संग्रह के शौक को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स फिलाटेली कहते हैं, क्या कहते हैं? फिलाटेली कहते हैं डाक टिकट संग्रह के शौक को, तो सी होगा राइट आंसर फिलाटेली। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिला कलेक्टर पद किस वर्ष से बनाया गया था? किस वर्ष से बनाया गया था? तो 1772 में बनाया गया था जिला कलेक्टर पद, यानी ऑप्शन डी रहेगा राइट आंसर 1772। नेक्स्ट, मेरा वतन पुस्तक के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स विष्णु प्रभाकर हैं मेरा वतन पुस्तक के लेखक, सी होगा राइट आंसर विष्णु प्रभाकर। नेक्स्ट है, गोल्ड पर्वत कहाँ स्थित है? कहाँ? तो फ्रेंड्स अमेरिका में स्थित है। कहाँ? अमेरिका में स्थित है गोल्ड पर्वत, तो ए रहेगा राइट आंसर अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेपाल के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? जी फ्रेंड्स कौन है? राम वरण यादव हैं नेपाल के प्रथम राष्ट्रपति, तो ए हो जाएगा जी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सा बाघ परियोजना भारत में किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स ये पश्चिम बंगाल में स्थित है बक्सा बाघ परियोजना, ऑप्शन सी रहेगा राइट आंसर पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है, पुस्तक द वाइट टाइगर को किसने लिखा है? तो फ्रेंड्स अरविंद अडिगा ने लिखा है पुस्तक द वाइट टाइगर को, तो सी रहेगा राइट आंसर अरविंद अडिगा। नेक्स्ट, बौद्ध स्थल ताबो मठ किस राज्य में अवस्थित है? किस राज्य में फ्रेंड्स अवस्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है ताबो मठ। ठीक है, ये रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भूटान देश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो फ्रेंड्स तीरंदाजी है भूटान देश का राष्ट्रीय खेल, तो बी होगा राइट आंसर यहाँ तीरंदाजी। नेक्स्ट है, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने लिखा था? किसने लिखा था? हरिसेन ने लिखा था, तो सी रहेगा राइट आंसर हरिसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 301 में दिया गया है कि भारत में चीनी का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? तो फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश राज्य को कहा जाता है भारत में चीनी का कटोरा, यानी ए ऑप्शन रहेगा फ्रेंड्स राइट आंसर उत्तर प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट, किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है? किस राज्य का है? तो केरल राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है, यानी सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर केरल राज्य। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो याद रखना आप लोग, राजस्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, तो ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, रबड़ उत्पादन में देश का अग्रणी राज्य कौन सा है? तो फ्रेंड्स केरल है रबड़ उत्पादन में देश का अग्रणी राज्य, तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संघीय व्यवस्था का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो कनाडा के संविधान से लिया गया है संघीय व्यवस्था का प्रावधान, तो सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर कनाडा। नेक्स्ट, भारत की मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई कितनी है? कितनी है फ्रेंड्स? 6100 किलोमीटर है, तो डी होगा राइट आंसर 6100 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, पेरियार नदी किस राज्य में बहती है? किस राज्य में बहती है फ्रेंड्स पेरियार नदी? तो फ्रेंड्स केरल राज्य में बहती है, तो ए रहेगा राइट आंसर केरल राज्य, तो ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, आसमान से देखने पर पृथ्वी का रंग कैसा मालूम पड़ता है? कैसा मालूम पड़ता है? तो फ्रेंड्स नीला मालूम पड़ता है आसमान से देखने पर पृथ्वी का रंग, तो डी होगा राइट आंसर नीला। नेक्स्ट, हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य किसको कहा जाता है? तो फ्रेंड्स पृथ्वीराज रासो को कहा जाता है हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य, तो बी होगा राइट आंसर पृथ्वीराज रासो, बी रहेगा जी राइट आंसर। नेक्स्ट, हेलमेट कप का संबंध किससे है? हेलमेट कप का संबंध किससे है?
तो टेनिस से है। हेलमेट कप का संबंध यानी सी रहेगा राइट आंसर, टेनिस सी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, आधुनिक रूस का निर्माता किसको कहा जाता है? किसको फ्रेंड्स? स्टालिन को कहा जाता है, स्टालिन को कहा जाता है आधुनिक रूस का निर्माता, यानी ए होगा राइट आंसर, स्टालिन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ऋग्वेद का हिंदी में अनुवाद किसने किया था? किसने किया था? दयानंद सरस्वती ने किया था ऋग्वेद का हिंदी में अनुवाद, यानी ए रहेगा राइट आंसर, दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट है, आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? किस वर्ष? 1994 में हुई थी आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना, तो बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, 1994। नेक्स्ट, बेनिहाल दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स किस राज्य में स्थित है बेनिहाल दर्रा? तो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है बेनिहाल दर्रा, यानी डी होगा राइट आंसर, जम्मू कश्मीर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, जगन्नाथ मंदिर को किस वंश के शासक ने बनवाया था? किस वंश के शासक ने? तो गंग वंश के शासक ने बनवाया था जगन्नाथ मंदिर, तो डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, गंग वंश डी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट, अभ्युदय समाचार पत्र का संबंध किससे है? तो फ्रेंड्स मदन मोहन मालवीय से है। किससे है? मदन मोहन मालवीय से है अभ्युदय समाचार पत्र का संबंध, यानी ए रहेगा राइट आंसर, मदन मोहन मालवीय। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, बुर्जिल दर्रा किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में? तो फ्रेंड्स जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है बुर्जिल दर्रा, यानी सी रहेगा राइट आंसर, जम्मू कश्मीर। ये आप लोग अच्छे से फ्रेंड्स याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्राउन कांच का अपवर्तनांक कितना होता है? तो फ्रेंड्स 1.52, 1.52 होता है, तो सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए क्या है, देखिए राजस्थान का हृदय किसको कहा जाता है? बहुत बार एग्जाम में आता है, तो फ्रेंड्स अजमेर को कहा जाता है राजस्थान का हृदय, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर, अजमेर। नेक्स्ट है, LIC की स्थापना किस वर्ष की गई? LIC की स्थापना 1956 में की गई थी, यानी ऑप्शन सी रहेगा राइट आंसर, 1956। नेक्स्ट, भारत में पंचायती राज व्यवस्था को सबसे पहले राजस्थान के किस जिले में शुरू किया गया? किस जिले में? तो नागौर जिले में किया गया था, तो ए रहेगा राइट आंसर, नागौर। नेक्स्ट है, अलकनंदा और मंदाकिनी संगम का संबंध किस प्रयाग से है? तो फ्रेंड्स ये रुद्रप्रयाग से है, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, रुद्रप्रयाग। नेक्स्ट है, IDBI बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई? किस वर्ष? तो 1964 में की गई IDBI बैंक की स्थापना, यानी ऑप्शन सी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, भागीरथी और अलकनंदा का संबंध किस प्रयाग से है? तो फ्रेंड्स ये देव प्रयाग से है, ठीक है ना, भागीरथी और अलकनंदा का संबंध है देव प्रयाग से, यानी ए रहेगा राइट आंसर, देव प्रयाग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए चलेगा, भारत की संसदीय शासन व्यवस्था किस देश के अनुरूप है? किस देश के अनुरूप है? तो ब्रिटेन के अनुरूप है भारत की संसदीय शासन व्यवस्था, यानी ऑप्शन डी रहेगा राइट आंसर, ब्रिटेन। नेक्स्ट दिया है, UTI यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई? किस वर्ष? 1964 में की गई UTI की स्थापना, ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 डिग्री चैनल किसके बीच अवस्थित है? किसके बीच? तो मालदीव मिनिकाय के बीच अवस्थित है 8 डिग्री चैनल, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, बोमडिला दर्रा पूछा है किस राज्य में है? किस राज्य में है बोमडिला दर्रा? तो फ्रेंड्स सी है, अरुणाचल प्रदेश में, तो सी होगा राइट आंसर, अरुणाचल प्रदेश याद रखना। नेक्स्ट है, देखिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा जाता है? किसको कहा जाता है? अनुच्छेद 32 को कहा जाता है, आर्टिकल 32 को कहते हैं संविधान की आत्मा, तो ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, पाक स्ट्रेट किन के बीच अवस्थित है? पाक स्ट्रेट किन के बीच अवस्थित है? तो ये तमिलनाडु व श्रीलंका के बीच अवस्थित है, तो डी होगा राइट आंसर, तमिलनाडु व श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए चलिए क्या है, भारतीय स्वशासन समिति की स्थापना किस वर्ष की गई? किस वर्ष? 1905 में की गई भारतीय स्वशासन समिति की स्थापना, तो बी रहेगा राइट आंसर, 1905। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धौलीगंगा और अलकनंदा संगम का संबंध किस प्रयाग से है?
किस प्रयाग से? तो फ्रेंड्स विष्णु प्रयाग से है। धौली गंगा और अलकनंदा संगम का संबंध यानी सी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, 9 डिग्री चैनल किनके बीच अवस्थित है? किनके बीच अवस्थित है? तो लक्षद्वीप व मिनिकाय के बीच अवस्थित है 9 डिग्री चैनल, यानी डी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम विस्फोट कब हुआ था? जी हाँ, 6 अगस्त 1945 को हुआ था हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम विस्फोट, यानी ए होगा राइट आंसर, 6 अगस्त 1945। नेक्स्ट है, सिपकिला दर्रा किस राज्य में है? तो फ्रेंड्स हिमाचल प्रदेश में है सिपकिला दर्रा, यानी डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलकनंदा और पिंडार संगम का संबंध किस प्रयाग से है? तो फ्रेंड्स कर्ण प्रयाग से है। अलकनंदा और पिंडार संगम का संबंध यानी सी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, 10 डिग्री चैनल किनके बीच अवस्थित है? तो ये फ्रेंड्स अंडमान व निकोबार के मध्य, तो बी हो जाएगा राइट आंसर, बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, मुगल काल के किस चित्रकार को पोरो का राफेल कहा जाता था? किसको कहा जाता था? तो बेहजाद को कहा जाता था फ्रेंड्स, याद रखना पोरो का राफेल, यानी ए रहेगा राइट आंसर, बेहजाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में? तो फ्रेंड्स उत्तराखंड राज्य में स्थित है नीति दर्रा, यानी डी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, उत्तराखंड। नेक्स्ट है, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स 26 नवंबर को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन डी रहेगा राइट आंसर, 26 नवंबर डी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत में प्याज का सबसे ज़्यादा उत्पादन किस राज्य में होता है? तो फ्रेंड्स महाराष्ट्र राज्य में होता है भारत में प्याज का सबसे ज़्यादा उत्पादन, तो सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, बाहरी नाभिकों से निकलने वाली अल्फा किरणें कैसी होती हैं? तो फ्रेंड्स ये धनात्मक होती हैं, यानी ए रहेगा राइट आंसर, धनात्मक ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, पावर्टी ऑफ फिलोसफी किसकी प्रसिद्ध रचना है? किसकी? तो फ्रेंड्स कार्ल मार्क्स की प्रसिद्ध रचना है पावर्टी ऑफ फिलोसफी, तो डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, कार्ल मार्क्स, डी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट, कौन सी अधातु हवा के संपर्क में आते ही स्वतः जलने लगती है? कौन सी अधातु? तो फास्फोरस, तो फ्रेंड्स बी होगा राइट आंसर, फास्फोरस क्या है, हवा के संपर्क में आते ही स्वतः जलने लगती, तो बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपीएससी के सदस्यों को वेतन किससे दिया जाता है? किससे दिया जाता है? तो संचित निधि से दिया जाता है यूपीएससी के सदस्यों को वेतन, तो ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, नीदरलैंड सरकार के दस्तावेज को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स ऑरेंज बुक कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ऑरेंज बुक कहते हैं नीदरलैंड सरकार के दस्तावेज को, तो डी होगा राइट आंसर, ऑरेंज बुक। नेक्स्ट, निरपेक्ष शून्य तापमान किसको कहा जाता है? तो फ्रेंड्स -273 डिग्री सेल्सियस को कहा जाता है निरपेक्ष शून्य तापमान, तो सी होगा राइट आंसर, -273 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट, प्रोटोनों का मुख्य संरक्षक कौन होता है? तो कार्बन होता है, ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कब रखा गया? तो फ्रेंड्स 1955 में, 1955 में रखा गया था, याद रखना आप लोग, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है, एयर 320 बसों को भारत ने किस देश से खरीदा था? किस देश से खरीदा था? फ्रांस से खरीदा था, तो डी होगा राइट आंसर, फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, मुख्य यामोत्तर रेखा का देशांतर कितना होता है? तो फ्रेंड्स 0 डिग्री होता है मुख्य यामोत्तर रेखा का देशांतर, ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, राजस्थान नहर को किस नदी से पानी मिलता है? तो फ्रेंड्स याद रखना आप लोग, सतलुज नदी से पानी मिलता है राजस्थान नहर को, यानी ए रहेगा राइट आंसर, सतलुज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस रुधिर वर्ग को सार्वजनिक दाता के नाम से भी जाना जाता है? किसको जानते? तो फ्रेंड्स ओ वर्ग को सार्वजनिक दाता के नाम से जानते, तो सी होगा राइट आंसर, ओ वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोफी अनान किस देश के हैं? कोफी अनान किस देश के हैं? तो फ्रेंड्स घाना के हैं कोफी अनान, तो डी हो जाएगा राइट आंसर, घाना।
नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ के दूसरे महासचिव कौन थे, तो फ्रेंड्स डैग हैमरशोल्ड, डैग हैमरशोल्ड थे संयुक्त राष्ट्र संघ के दूसरे महासचिव, तो सी होगा राइट आंसर, डैग हैमरशोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेरिका का प्रथम कृत्रिम उपग्रह कौन है, तो फ्रेंड्स याद रखना एम्सप्लोरर प्रथम है अमेरिका का प्रथम कृत्रिम उपग्रह, यानी ए रहेगा राइट आंसर, एम्सप्लोरर प्रथम ए रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है अमेरिका की खोज किसने की थी, किसने की थी, कोलंबस ने की थी फ्रेंड्स अमेरिका की खोज, तो डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, कोलंबस। नेक्स्ट है पानी का अपवर्तनांक कितना होता है, तो फ्रेंड्स 1.33 होता है पानी का अपवर्तनांक, यानी ए रहेगा राइट आंसर 1.33। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे, तो जॉन मथाई थे फ्रेंड्स स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री, तो बी रहेगा राइट आंसर, जॉन मथाई। नेक्स्ट है राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, जी फ्रेंड्स कब, 12 जनवरी को मनाते हैं फ्रेंड्स राष्ट्रीय युवा दिवस, यानी ए रहेगा राइट आंसर 12 जनवरी, याद रखना। नेक्स्ट है पुराणों की संख्या कितनी है, कितनी फ्रेंड्स 18 है पुराणों की संख्या, तो डी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर 18, ठीक है। नेक्स्ट है मार्स गैस किसको कहा जाता है, किसको कहा जाता है फ्रेंड्स मार्स गैस, तो मीथेन को कहा जाता है, यानी बी रहेगा राइट आंसर, मीथेन को कहा जाता है फ्रेंड्स मार्स गैस, बी रहेगा आज राइट आंसर। नेक्स्ट है राष्ट्रीय कैलेंडर को किस वर्ष स्वीकार किया गया था, किस वर्ष किया गया था स्वीकार, 1957 में स्वीकार किया गया था राष्ट्रीय कैलेंडर को, तो बी रहेगा राइट आंसर 1957। नेक्स्ट क्वेश्चन है उबेर कप का संबंध किससे है, तो फ्रेंड्स बैडमिंटन से है उबेर कप का संबंध, यानी डी रहेगा राइट आंसर बैडमिंटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है, तो फ्रेंड्स नागपुर में स्थित है, कहाँ है, नागपुर में स्थित है राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान, तो सी होगा राइट आंसर नागपुर। नेक्स्ट है भारत का भूगोल पुस्तक को किसने लिखा, भारत का भूगोल पुस्तक को लिखा टोलमी ने, तो फ्रेंड्स ए रहेगा राइट आंसर टोलमी। नेक्स्ट मोतियों का द्वीप पूछा है फ्रेंड्स किसको कहा जाता है, बहुत बार एग्जाम में आता है, किसको, बहरीन को कहते हैं मोतियों का द्वीप, किसको, बहरीन को, तो बी रहेगा राइट आंसर बहरीन। नेक्स्ट है भारत की सीमाएं कितने देशों के साथ जुड़ी हैं, तो 7 देशों के साथ जुड़ी हैं भारत की सीमाएं, तो सी रहेगा राइट आंसर 7 देश। नेक्स्ट क्वेश्चन स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ स्थित है, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ स्थित है, तो फ्रेंड्स ये अहमदाबाद में स्थित है, यानी ए रहेगा राइट आंसर अहमदाबाद, ठीक है। नेक्स्ट है अंधेर नगरी चौपट राजा के लेखक कौन है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, कौन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र है। अंधेर नगरी चौपट राजा के लेखक, सी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यूरेनियम के उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है, तो फ्रेंड्स कनाडा है यूरेनियम के उत्पादन में अग्रणी देश, तो बी रहेगा राइट आंसर कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरु गोविंद सिंह की समाधि कहाँ है, तो नांदेड़ में है गुरु गोविंद सिंह की समाधि, तो सी होगा राइट आंसर नांदेड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेडागास्कर किस महासागर में स्थित है, किस महासागर में, तो फ्रेंड्स हिंद महासागर में स्थित है मेडागास्कर, यानी ए रहेगा राइट आंसर हिंद महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग सौर मंडल की खोज किसने की थी, किसने की थी फ्रेंड्स कोपरनिकस ने की थी, किसने की थी कोपरनिकस ने की थी, तो डी हो जाएगा राइट आंसर कोपरनिकस। नेक्स्ट भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे भारत के प्रथम गृह मंत्री, तो सी रहेगा राइट आंसर सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट है हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, तो फ्रेंड्स 2.42 2.42 होता है हीरा का अपवर्तनांक, डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है दक्षिण ध्रुव की खोज किसने की थी, जी फ्रेंड्स किसने की थी, एमंड सेन ने की थी दक्षिण ध्रुव की खोज, यानी ए रहेगा राइट आंसर एमंड सेन। नेक्स्ट है फ्लिंट कांच का अपवर्तनांक कितना होता है, जी फ्रेंड्स कितना होता है फ्लिंट कांच का अपवर्तनांक, तो फ्रेंड्स ये होता है 1.65, तो सी होगा राइट आंसर 1.65। नेक्स्ट
ग्रहों की खोज 1600 ईस्वी में किनके द्वारा की गई? किनके द्वारा? तो फ्रेंड्स केपलर के द्वारा की गई ग्रहों की खोज 1600 ईस्वी में। तो बी रहेगा राइट आंसर, केपलर बी रहेगा इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स राइट आंसर। नेक्स्ट है उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? तो फ्रेंड्स रॉबर्ट पियरी ने की थी उत्तरी ध्रुव की खोज, यानी ऑप्शन डी रहेगा राइट आंसर, रॉबर्ट पियरी डी रहेगा फ्रेंड्स राइट आंसर। नेक्स्ट है तालिकोटा का युद्ध कब हुआ था? तालिकोटा का युद्ध कब हुआ था? 1565 में, 1565 में हुआ था तालिकोटा का युद्ध, यानी ए रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है उर्दू भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? किस लिपि में? बिल्कुल फ्रेंड्स खरोष्ठी लिपि में लिखी जाती है उर्दू भाषा, तो डी हो जाएगा फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर, खरोष्ठी लिपि। नेक्स्ट है भारत की प्रथम महिला आईएएस कौन है? तो अन्ना जॉर्ज है भारत की प्रथम महिला आईएएस, यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। देखिए स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री, यानी ए रहेगा राइट आंसर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट है पंचवर्षीय योजना का विचार किस देश से लिया गया है? तो फ्रेंड्स रूस से लिया गया है पंचवर्षीय योजना का विचार, यानी डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, रूस डी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है एक प्रकाश वर्ष कितना किलोमीटर होता है? बिल्कुल फ्रेंड्स 9.46 × 10^12 किलोमीटर होता है फ्रेंड्स एक प्रकाश वर्ष, यानी सी होगा राइट आंसर, 9.46 × 10^12 किलोमीटर। नेक्स्ट है पृथ्वी पर एक व्यक्ति का वजन 600 न्यूटन है तो चांद पर उसका वजन कितना होगा? तो 100 न्यूटन होगा, यानी ए रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है राजतरंगिणी का संस्कृत से फारसी में अनुवाद किसने किया? जी फ्रेंड्स जैनुल आबदीन ने किया। किसने? जैनुल आबदीन ने किया राजतरंगिणी का संस्कृत से फारसी में अनुवाद, यानी ऑप्शन बी रहेगा राइट आंसर, जैनुल आबदीन। ठीक है नेक्स्ट है दाब की विमा क्या होती है? क्या होती है फ्रेंड्स? ML-1 T-2, तो डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट राज्य विलय नीति किसके काल में हुई थी? तो लॉर्ड डलहौजी के काल में हुई थी फ्रेंड्स राज्य विलय नीति, तो ए रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है मौसम विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? बताएंगे जल्दी से। बिल्कुल फ्रेंड्स कहाँ स्थित है? तो याद रखना आप लोग नई दिल्ली में स्थित है, तो सी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो बुध है, यानी डी होगा राइट आंसर, बुध। नेक्स्ट ब्लाइट रोग का संबंध किससे है? तो फ्रेंड्स धान से है ब्लाइट रोग का संबंध, यानी ए होगा राइट आंसर, धान। नेक्स्ट है विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया? तो फ्रेंड्स चार्ल्स डार्विन ने दिया विकासवाद का सिद्धांत, यानी सी रहेगा राइट आंसर, चार्ल्स डार्विन। नेक्स्ट है राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? जी फ्रेंड्स कब? 31 अक्टूबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस, यानी सी होगा राइट आंसर, 31 अक्टूबर। नेक्स्ट है विटामिन ए के आविष्कारक कौन है? तो मैकुलन है विटामिन ए के आविष्कारक, तो सी होगा राइट आंसर, मैकुलन। नेक्स्ट है जल कितने केल्विन पर जमता है? कितने केल्विन पर जमता है जल? तो 273 केल्विन पर जमता है, तो सी रहेगा राइट आंसर, 273 केल्विन। नेक्स्ट है एल्केन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो फ्रेंड्स CnH2n+2 ये होता है एल्केन का रासायनिक सूत्र, बी रहेगा राइट आंसर। ठीक है नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश का गठन किस वर्ष हुआ? तो 1953 में हुआ था आंध्र प्रदेश का गठन। नेक्स्ट है राष्ट्रीय युवा दिवस का संबंध किससे है? तो फ्रेंड्स स्वामी विवेकानंद से है राष्ट्रीय युवा दिवस का संबंध, यानी ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। चलिएगा फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? जी हाँ फ्रेंड्स याद रखना 1906 में हुई थी, कहाँ पर? बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुई थी, यानी ऑप्शन डी रहेगा राइट आंसर, 1906। नेक्स्ट है खानवा की लड़ाई किस वर्ष हुई थी? तो याद रखना आप लोग 1527 में हुई थी खानवा की लड़ाई, यानी सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, 1527। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीन शब्द का नामकरण किसने किया था?
तो याद रखना W.L. जॉनसन ने किया था, यानी ऑप्शन नंबर डी रहेगा राइट आंसर। जेन शब्द का नामकरण W.L. जॉनसन ने किया था, ऑप्शन नंबर डी रहेगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा स्टील प्लांट स्थित है कहां? बोकारो में। बोकारो कहां है? झारखंड में। ठीक है, यानी सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, बोकारो, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग क्या दिया है। एहोल अभिलेख का संबंध किससे है? तो पुलकेशिन द्वितीय से है। एहोल अभिलेख का संबंध सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, पुलकेशिन द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईरान की संसद का नाम क्या है? तो मजलिस है ईरान की संसद का नाम, ऑप्शन नंबर डी रहेगा राइट आंसर, मजलिस। ठीक है, नेक्स्ट है, पूर्वी तिमोर किस महादेश में है? एशिया महादेश में है पूर्वी तिमोर, यानी ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, एशिया महादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो फ्रेंड्स राष्ट्रपति करता है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, यानी ऑप्शन नंबर बी रहेगा राइट आंसर, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते किससे प्राप्त होते हैं? तो संचित निधि से प्राप्त होते हैं राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर, संचित निधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1919 में आयोजित अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? तो महात्मा गांधी थे, यानी ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, चूना पत्थर का कायंत्रित रूप क्या है? संगमरमर है चूना पत्थर का कायंत्रित रूप, यानी ऑप्शन नंबर बी रहेगा राइट आंसर, संगमरमर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र 1888 की अध्यक्षता किसने की थी? तो जॉर्ज यूले ने की थी, यानी डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, जॉर्ज यूले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में प्रथम रेल लाइन की नींव कहाँ रखी गई थी? कहाँ? इंग्लैंड में रखी गई थी। जी फ्रेंड्स ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, इंग्लैंड। नेक्स्ट, दाब का एसआई मात्रक क्या है? तो याद रखना पास्कल है दाब का एसआई मात्रक, ऑप्शन डी रहेगा राइट आंसर, पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धुआंधार झरना किस नदी के किनारे है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आता है, तो आप लोग फ्रेंड्स याद रखना, धुआंधार झरना पूछा है, तो धुआंधार झरना है नर्मदा नदी के किनारे पर, ही आप लोग अच्छे से याद रख रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी रहेगा राइट आंसर, नर्मदा। और किस राज्य में है? मध्य प्रदेश राज्य में है, ये भी आप लोग याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोका आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? मोस्ट वे क्वेश्चन ही बहुत बड़े एग्जाम में आता है, तो कोका आंदोलन हुआ था पंजाब में, यानी फ्रेंड्स ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, पंजाब में हुआ था कोका आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल सम्राटों में अनपढ़ कौन था? तो अकबर था मुगल सम्राटों में अनपढ़, यानी बी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरतपुर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? तो राजस्थान राज्य में है भरतपुर पक्षी अभयारण्य, यानी डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, यानी ऑप्शन सी रहेगा राइट आंसर, बदरुद्दीन तैयब जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल को उनके पद की शपथ कौन दिलाता है? कौन दिलाता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, यानी ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? प्लीज कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दें। नेक्स्ट है, रोरिंग फोर्टीज है, क्या है रोरिंग फोर्टीज? क्या है? पश्चिमी हवाएं हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर, पश्चिमी हवाएं। नेक्स्ट है, जयगढ़ किला कहाँ स्थित है? अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सभी लोग फटाफट वीडियो को लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करेंगे। जयगढ़ किला कहाँ स्थित है? तो जयपुर में है जयगढ़ किला, यानी ऑप्शन नंबर डी रहेगा राइट आंसर, जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, यानी बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ध्यानचंद नाम किस खेल से संबंधित है?
तो हॉकी से संबंधित है, ध्यानचंद नाम, यानी ऑप्शन नंबर बी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, गुलिवर्स ट्रेवल्स को किसने लिखा था? किसने लिखा था? जोनाथन स्विफ्ट ने लिखा था गुलिवर्स ट्रेवल्स को, यानी ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर यहां पर, जोनाथन स्विफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तो याद रखना यूरी गागरिन है अंतरिक्ष में कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति, डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल एवं अंतिम वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन था, यानी बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट देखेंगे आप लोग, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बंगाल का शोक कहते हैं दामोदर नदी को, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, यानी सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, दामोदर नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्याज आलू और अदरक किसका उदाहरण है? तो तने का उदाहरण है प्याज आलू और अदरक, यानी सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, तना। नेक्स्ट है, लाल बहादुर शास्त्री की समाधि किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये है यमुना के किनारे, यानी ऑप्शन बी रहेगा राइट आंसर, यमुना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कावेरी नदी किस ओर बहती है? कावेरी नदी किस ओर बहती है? तो ये पूर्व की ओर बहती है, यानी ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, पूर्व की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कोटिल्य का असली नाम क्या था? क्या नाम था? कौटिल्य का असली नाम था विष्णुगुप्त, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर, विष्णुगुप्त, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेषनाग झील किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर राज्य में है शेषनाग झील, यानी ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, प्रोटीन का उच्चतम स्रोत निम्नलिखित में से क्या है? तो सोयाबीन है, क्या है? सोयाबीन है प्रोटीन का उच्चतम स्रोत, यानी ऑप्शन सी होगा राइट आंसर, सोयाबीन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, किस तिथि को दिन रात बराबर होते हैं? तो याद रखना 21 मार्च को दिन और रात बराबर होते हैं, सी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर, 21 मार्च। चलिएगा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष हुआ था? जी फ्रेंड्स 1869 में हुआ था महात्मा गांधी का जन्म, यानी ऑप्शन नंबर डी रहेगा राइट आंसर, 1869। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला मनुष्य कौन था? नील आर्मस्ट्रांग था, यानी ऑप्शन बी रहेगा राइट आंसर, नील आर्मस्ट्रांग। ठीक है, नेक्स्ट दिया है, बेगम अख्तर का संबंध किससे है? किससे है? शास्त्रीय गायिका से है बेगम अख्तर का संबंध, यानी ऑप्शन बी रहेगा राइट आंसर, शास्त्रीय गायिका। चलिएगा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सुब्रतो कप का संबंध किस खेल से है? तो फ्रेंड्स सुब्रतो कप का संबंध फुटबॉल से है, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स राइट आंसर, फुटबॉल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग क्या दिया है, देखिए भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है? तो देहरादून में स्थित है भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, यानी ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, देहरादून। ठीक है ना, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग क्या है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो फ्रेंड्स बरगद है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष, यानी ऑप्शन सी होगा राइट आंसर, बरगद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, सात पहाड़ियों का शहर किसको कहा जाता है? सात पहाड़ियों का शहर कहते हैं रोम को, किसको फ्रेंड्स? रोम को कहा जाता है सात पहाड़ियों का शहर, डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग क्या है, कि लाल बहादुर के समाधि स्थल को किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखना आप लोग विजय घाट के नाम से जाना जाता है लाल बहादुर के समाधि स्थल को, यानी ऑप्शन सी रहेगा राइट आंसर, विजय घाट। देखेंगे नेक्स्ट है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? मदन मोहन मालवीय ने की थी, मदन मोहन मालवीय ने की थी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना, यानी बी रहेगा राइट आंसर, मदन मोहन मालवीय। चलेगा देखिए नेक्स्ट है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन किस तिथि को होता है? किसको? 21 जून को होता है उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन, यानी ऑप्शन सी रहेगा राइट आंसर, 21 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
वुमेन एंड मैन इन माय लाइफ के लेखक कौन हैं? तो खुशवंत सिंह हैं, वुमेन एंड द मैन इन माय लाइफ के लेखक, यानी ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, खुशवंत सिंह। चलेगा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गगन नारंग का संबंध किससे है, किस खेल से है? तो निशानेबाजी से है। गगन नारंग का संबंध यानी डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, निशानेबाजी से। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, एलिस इन वंडरलैंड किसके द्वारा लिखी गई है? तो याद रखना लेविस कैरोल के द्वारा लिखी गई है, लेविस कैरोल के द्वारा लिखी गई है एलिस इन वंडरलैंड, यानी ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, लेविस कैरोल। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, विश्व की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? तो बुर्ज खलीफा, बुर्ज खलीफा है विश्व की सबसे ऊंची इमारत, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फ्रेंड्स राइट आंसर। चलेगा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप क्या है, कैल्शियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो 20 होती है कैल्शियम की परमाणु संख्या, डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर 20। नेक्स्ट देखेंगे चलेगा, बाभा परमाणु केंद्र कहां स्थित है? तो मुंबई में है बाभा परमाणु अनुसंधान, बाभा परमाणु केंद्र, यानी ए रहेगा फ्रेंड्स राइट आंसर, मुंबई। ठीक है नेक्स्ट देखेंगे चलिए क्या है, देखिए अभिज्ञान शाकुंतलम पुस्तक की रचना किसने की? तो याद रखना कालिदास ने की थी अभिज्ञान शाकुंतलम पुस्तक की रचना, सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, कालिदास। नेक्स्ट है, जय जवान जय किसान का जो नारा है किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था जय जवान जय किसान का नारा, यानी ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है देखेंगे नेक्स्ट, यामा पुस्तक के लेखक कौन है? तो महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा है यामा पुस्तक के लेखक, यानी ऑप्शन बी रहेगा राइट आंसर, महादेवी वर्मा। नेक्स्ट देखेंगे चलिए क्या है, मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ था? तो फ्रेंड्स याद रखना अल्बानिया में हुआ था मदर टेरेसा का जन्म, यानी ऑप्शन सी रहेगा राइट आंसर, अल्बानिया। ठीक है देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा सांसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो फ्रेंड्स अमृतसर में है राजा सांसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ऑप्शन ए रहेगा राइट आंसर, अमृतसर। ठीक है देखेंगे नेक्स्ट, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है? तो 6 क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है नोबेल पुरस्कार, यानी सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, 6 क्षेत्रों में। हर साल 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं और 1901 में शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट है कि जय जगत का नारा किसने दिया था? विनोबा भावे ने दिया था जय जगत का नारा, यानी ऑप्शन बी रहेगा राइट आंसर, विनोबा भावे। ठीक है देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा में ध्वनि तरंगे होती हैं कैसे? अनुदैर्ध्य होती हैं, यानी ए रहेगा राइट आंसर, अनुदैर्ध्य। ठीक है नेक्स्ट है, फादर ऑफ ज्योमेट्री किसको कहा जाता है? किसको? यूक्लिड को कहा जाता है फादर ऑफ ज्योमेट्री, यानी ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, यूक्लिड। देखिए नेक्स्ट है, नमी को किस यंत्र से मापा जाता है? किस यंत्र से? हाइग्रोमीटर से मापा जाता है नमी को, ऑप्शन बी रहेगा राइट आंसर, हाइग्रोमीटर। ठीक है देखेंगे नेक्स्ट, प्रशीतन में किस गैस का उपयोग किया जाता है? किस गैस का? फ्रियोन गैस का उपयोग किया जाता है प्रशीतन में। ठीक है यानी ऑप्शन सी होगा राइट आंसर, फ्रियोन। देखेंगे चलिए नेक्स्ट है, राजसमंद झील किस राज्य में स्थित है? राजसमंद झील किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान राज्य में स्थित है, यानी ऑप्शन सी रहेगा राइट आंसर, राजस्थान सी रहेगा बिल्कुल राइट आंसर। देखेंगे चलिए नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय कहाँ है? कहाँ है? तो याद रखना द हेग में, नीदरलैंड की द हेग में है अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय, यानी डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। देखेंगे नेक्स्ट है, रिकेट्स बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? तो विटामिन डी की कमी के कारण क्या होती है? रिकेट्स नामक बीमारी होती है, विटामिन डी का केमिकल नेम होता है कैल्सिफेरॉल। ठीक है, विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है, विटामिन डी को एक हार्मोन भी कहा जाता है और ये सनसाइन विटामिन भी कहलाता है। रिकेट्स हड्डियों का रोग होता है। नेक्स्ट,
कठपुतली किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? तो याद रखना आप लोग, राजस्थान राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है कठपुतली, यानी डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, राजस्थान, ठीक है ना। नेक्स्ट है, बद्रीनाथ किस नदी के किनारे बसा है? किसके किनारे पर? अलकनंदा के किनारे पर बसा है बद्रीनाथ, यानी ऑप्शन सी रहेगा राइट आंसर, अलकनंदा। नेक्स्ट दिया है कि मदर इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? किसके द्वारा? कैथरीन मेयो के द्वारा, यानी फ्रेंड्स ए रहेगा राइट आंसर, कैथरीन मेयो, ठीक है। देखेंगे नेक्स्ट है, मारो फिरंगी को किसने कहा था? मारो फिरंगी को किसने कहा था? तो मंगल पांडे ने कहा था फ्रेंड्स, याद रखना, मारो फिरंगी को, ठीक है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपथलीन का मुख्य स्रोत क्या है? तो याद रखना, तारकोल है नेपथलीन का मुख्य स्रोत, यानी सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, तारकोल। नेक्स्ट देखेंगे, चलेगा, रूस की संघीय अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है? तो रोस्कोसमोस है, रोस्कोसमोस है, याद रखना, रूस की संघीय अंतरिक्ष एजेंसी का नाम, यानी ऑप्शन सी रहेगा फ्रेंड्स राइट आंसर, रोस्कोसमोस, ठीक है। देखेंगे नेक्स्ट है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो फ्रेंड्स याद रखना, एस राधा कृष्णन थे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति, यानी ऑप्शन नंबर डी रहेगा फ्रेंड्स राइट आंसर, एस राधा कृष्णन, ठीक है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, गोवा राज्य की राजधानी कहाँ है? तो पणजी में है गोवा राज्य की राजधानी, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर, पणजी, ठीक है। नेक्स्ट है, गरबा किस राज्य की नृत्य शैली है? किस राज्य की है? गुजरात राज्य की नृत्य शैली है गरबा, यानी सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, गुजरात, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैट का मुख्यालय कहाँ है? जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा में है, ए ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर, जेनेवा, ठीक है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी रोग होता है विटामिन B1 की कमी से, डी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। विटामिन B1 का केमिकल नेम थायमिन होता है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट दिया है, देखिए, शिवाजी की ताजपोशी कहाँ की गई थी? कहाँ? तो रायगढ़ में की गई थी। कहाँ की गई थी? रायगढ़ में की गई थी शिवाजी की ताजपोशी, यानी सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, रायगढ़। देखेंगे नेक्स्ट, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार हमला किया था? कितनी बार किया था? 17 बार किया था, याद रखना, महमूद गजनवी ने भारत पर हमला, ऑप्शन नंबर बी रहेगा राइट आंसर, 17 टाइम्स, 17 बार, ठीक है। देखेंगे नेक्स्ट, श्रीलंका को पहले किस नाम से जाना जाता था? किस नाम से? सिलोन के नाम से जानते थे श्रीलंका को पहले, ठीक है, ऑप्शन सी होगा राइट आंसर, सिलोन। देखेंगे नेक्स्ट, सापेक्ष घनत्व की इकाई क्या है? सापेक्ष घनत्व की इकाई है ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है, यानी ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। देखेंगे नेक्स्ट है, भारत किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र से जुड़ा? किस वर्ष जुड़ा? 1945 से, 1945 में जुड़ा था भारत UN से, ठीक है ना, याद रखना। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखेंगे आप लोग क्या है, देखिए, भारत सरकार द्वारा किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक को अधिकार में लिया गया? अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना, सब लोग फटाफट वीडियो को लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर देंगे। देखिए, भारत सरकार द्वारा किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक को अधिकार में लिया गया? 1948 में लिया गया था भारत सरकार के द्वारा, ऑप्शन बी रहेगा राइट आंसर, 1949 में, 1949 में राष्ट्रीयकरण किया गया था। नेक्स्ट है, पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस वार्षिक सत्र में पारित किया गया था? किसमें किया गया था? लाहौर सत्र में, लाहौर सत्र में, याद रखना, ऑप्शन नंबर डी रहेगा राइट आंसर, लाहौर अधिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है रॉकेट, यानी ऑप्शन नंबर बी रहेगा राइट आंसर, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, बंगाल में पाल राजवंश का संस्थापक कौन था? तो फ्रेंड्स गोपाल था, बंगाल में पाल राजवंश का संस्थापक, यानी ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, गोपाल।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है, कितने सदस्यों को किया जा सकता है, 12 सदस्यों को, यानी ऑप्शन सी रहेगा राइट आंसर, 12 सदस्य, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इजराइल की मुद्रा क्या है, तो सेकेल है इजराइल की मुद्रा, यानी ऑप्शन डी रहेगा राइट आंसर, सेकेल, याद रखेंगे आप लोग। चलेगा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध पवित्र हिंदू तीर्थ स्थान अमरनाथ किस राज्य में स्थित है, किस राज्य में है, जम्मू कश्मीर राज्य में है, यानी ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, रसोई घर में इस्तेमाल होने वाले नमक का रासायनिक नाम क्या है, तो ये है सोडियम क्लोराइड, NaCl, यानी सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 डिग्री सेल्सियस तापमान का मान केल्विन पैमाने पर कितना होगा, कितना होगा, 373 केल्विन होगा, यानी ऑप्शन बी रहेगा राइट आंसर, 373 केल्विन, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, जिस दर से बैंक RBI को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ऋण देता है, वह कहलाता है क्या, रिवर्स रेपो दर कहलाता है, यानी ऑप्शन बी रहेगा राइट आंसर, रिवर्स रेपो दर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, चिराव बांस नृत्य किस राज्य से संबंधित है, किससे, मिजोरम से संबंधित है, यानी ऑप्शन डी रहेगा राइट आंसर, मिजोरम, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा का कार्यालय कहाँ स्थित है, तो न्यूयॉर्क में है, यानी ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, न्यूयॉर्क, ठीक है ना। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, सतपुड़ा एवं विंध्य के बीच बहने वाली नदी कौन सी है, कौन सी है, नर्मदा नदी है, सतपुड़ा एवं विंध्य के बीच बहने वाली नदी, यानी ऑप्शन डी रहेगा राइट आंसर यहां पर, नर्मदा। नेक्स्ट, भूकंप की तीव्रता किस यंत्र से मापी जाती है, तो रिएक्टर स्केल से मापी जाती है भूकंप की तीव्रता, यानी सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, रिएक्टर स्केल, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, रंगास्वामी कप का संबंध किस खेल से है, तो हॉकी से है, रंगास्वामी कप का संबंध, यानी ऑप्शन नंबर बी रहेगा राइट आंसर, हॉकी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सरकार से सूचना प्राप्त करने की शक्ति प्रदान करता है, कौन सा अनुच्छेद, आर्टिकल 78, यानी सी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारतीय वित्तीय वर्ष कब से प्रारंभ होता है, तो 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है भारतीय वित्तीय वर्ष, यानी ऑप्शन डी रहेगा राइट आंसर, 1 अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो 28 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, यानी ऑप्शन सी होगा राइट आंसर, 28 फरवरी, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस जो अभी कंप्लीट हो गए हैं। अगर कोई डाउट है शेयर कीजिएगा, सभी के डाउट्स अगली क्लास में अगले पार्ट में क्लियर किए जाएंगे। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, सभी लोग फटाफट वीडियो को लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करेंगे। जो लोग पहली बार यहाँ आए हैं, जल्दी से आप लोग फटाफट चैनल सब्सक्राइब करेंगे, साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।